चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। टू सब्सटेंसेस सब्सटेंसेस ए एंड बी हैव देयर रिलेटिव परमियबिलिटी हैव देयर रिलेटिव परमियबिलिटी स्लाइटली ग्रेटर है और लेस है पहले वाले की, ए वाले की ग्रेटर है बी वाले की लेस है, लेस देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी स्लाइटली बोला बच्चे, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा अगर ग्रेटर होती है तो उसे क्या बोलते हैं, तो आइडेंटिफाई करो यार। देखो म्यू ऑफ ए जो है स्लाइटली ग्रेटर है किससे, वन से, और म्यू ऑफ बी जो है वो स्लाइटली लेसर, ये इक्वल टू नहीं है भाई, ये मैंने बनाया था तुम्हारे लिए स्लाइटली लेस है वन से, जिसका म्यू आई लेस देन वन होता है उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट, जिसका स्लाइटली ग्रेटर देन वन है उसे बोलते हैं डायरेक्ट, जिसका बहुत ज़्यादा है वन से उसे बोलते हैं डायरेक्ट। ये एडिशनल नॉलेज थी, अगर आप ये मान लो कि म्यू आई जिसका वन से कम है उसका काई एम क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो काई ऑफ बी क्या होगा, नेगेटिव होगा, और वो क्या होगा डायरेक्ट, और जिसका म्यू ए म्यू जो है एक से ज़्यादा उसका काई ए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो वो है। ये आइडेंटिफाई करना था, कर लिया। म्यू जिसका वन से कम होगा रिलेटिव परमेबिलिटी वो डाया होगा, और जिसका ज़्यादा होगा उसे हम बोलेंगे पैरा, ठीक है, ये चीज़ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सी बात है, देखो काई एम नेगेटिव आ रहा है, काई एम कितना है नेगेटिव, काई एम जो है कितना है नेगेटिव ऑफ 0.085 है, अभी आपको पता चला पुराने क्वेश्चन में काई एम नेगेटिव आता है डाया का, डाया रिपेल करता है जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो फील्ड लाइन इससे पास नहीं होना चाहिए, रिपेल होगी, ये तो आपको पता ही है, मैंने दोबारा बता दिया काई एम नेगेटिव है तो ऑब्वियसली ये क्या है डाया है, रिपेल होगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम यहाँ पे अगर हमने डाया का कुछ रखा नॉर्थ पोल है साउथ पोल है तो फील्ड लाइन सबसे पास नहीं होना चाहिए, ठीक है, पास नहीं होना चाहिए भागे ही, तो ये काम करो, ठीक है, देख लो यार नेगेटिव है ना इसलिए हुआ ही। अब अगर पॉजिटिव हो तो क्या होता, अगर यहाँ पर पॉजिटिव होता है कितना पॉजिटिव, थोड़ा सा इसे प्लस ही ले लेते हैं कितना होता तो होता क्या, अब क्योंकि काई एम क्या है पॉजिटिव है कितना 0.085 प्लस का, और स्लाइटली पॉजिटिव है तो ये पैरा होगा, तो पैरा अट्रैक्ट होता है स्लाइटली, अट्रैक्ट होगा स्लाइटली टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो एक दो जाएंगे बस, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या बनाया पैरा बनाया नॉर्थ पोल एक दो जाएंगे बस है ना, एक तो ऊपर से निकल के ऐसे एक दो भेज अंदर से ऐसे, ठीक है, ये चीज़ होगी क्लियर, बहुत बढ़िया, अंदर से जाएंगे ना पैरा है इसलिए लेस इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए एक दो भेज अंदर से एक दो। अब अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है लगभग कितना अंदर से आपने मान लिया 1.135 तो अब क्या होता है काई एम जो है ग्रेटर देन वन है और पॉजिटिव है कितना है 1.135 तो ये होगा फैरो, और फैरो लार्जली अट्रैक्ट होता है, लार्जली अट्रैक्ट होता है कहाँ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो दो तीन स्थान अंदर से फिर नॉर्थ पोल साउथ पोल फैरो दो तीन स्थान अंदर से जाते हुए पहली दूसरी तीसरी एक ऊपर से एक नीचे तो ये फैरो हो गया आपका है ना, समझ रहे हैं, ये चीज़ क्या लिखी हुई है मैंने फैरो लिखी हुई और तीन जा रही है इससे फील्ड लाइन, पैरामीटर लिखी गई थी एक दो
और टाइम में एक भी नहीं गई थी, रिपेल हो गई थी। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है? तो ये दिखा देना यार उन्हें, खुश हो जाएंगे वो, बोलेंगे यार तुम पढ़ के आए हो, समझदार बच्चे लगते हो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के सारथी तुम ही लोग। मैग्नेटिक सबसेप्टिबिलिटी निकालनी है एल्यूमिनियम की, हमें क्या मतलब वैसे ही डाया होता है तो उसके लिए निकालनी है, और म्यू आर इतना देर का तुम्हें सबसेप्टिबिलिटी निकालनी है, रिलेशन आना चाहिए यार, म्यू आर इज इक्वल टू 1 + χm होता है, ये रिलेशन पता है तो तुम कर लोगे। म्यू आर इज इक्वल टू 1 + χm होता है, χm की वैल्यू क्या है, म्यू आर माइनस 1, म्यू आर कितना है 1.00002 - 1, 1 से बन जाएगा कितना बचेगा 0.00002 जो, इसकी कोई यूनिट नहीं होती यार, है ना? तो 0.00002 आएगा प्लस का, ठीक है? बहुत बढ़िया भाई, समझदार लोग, इंक भर लेता हूँ मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हम क्या करें, हम मेटल करें, पहले कैलकुलेट फोर्स acting on electrons moving with a velocity of 3×10⁻⁷ meter per second at right angle to magnetic field which is equal to 10 tesla। ये आपका क्वेश्चन, ठीक है भाई? आपको फोर्स निकालना है किसी इलेक्ट्रॉन में जो मूव कर रहा है इतनी वेलोसिटी से, जो कि है 3×10⁻⁷ एट अ राइट एंगल, मतलब 3×90 टू द मैग्नेटिक फील्ड, जो कि कितनी 10 tesla। और इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6×10⁻¹। या फिर चीज़ें हैं देर की, फोर्स आपको पता है क्या होता है, qvp sin θ। चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन है तो ई लिख लो और वैल्यू डालो, ई की 1.6×10⁻¹। वेलोसिटी है 3×10⁻¹। डी मैग्नेटिक फील्ड है 10 sin θ, sin 90 होता है 1। तो आप कितना है देखो यार, 16 × 48 तो 4.8 आ गया। 10⁻¹ कितनी है, यहाँ पे -19 है, ये 7 है और ये 8 है, तो 7 + 1 और sin 90 हो गया 1। sin 90 हो गया 16 × 48 4.8 -19 + 7 + 1 8 - 19 = 8 - 11 न्यूटन आंसर आ गया। क्लियर? यस। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है बच्चा कि एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2×10⁶ मीटर पर सेकेंड एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, वो आपको दे रखा है 0.32×10⁻²⁺ एंड 3×10⁻²⁺
ऑक्टेन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, ये चीज़ है ना यार। मैग्नीट्यूड का आसानी से डायरेक्शन में दिक्कत है। देखो पहले डायरेक्शन की ही बात कर लेते हैं। आप देखिए क्या है, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन की बात करेंगे मैंने, परपेंडिकुलर भी है, परपेंडिकुलर नहीं बस इतनी, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मान लीजिए देखो हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड यूज़ करते हैं, ये एफ बी आई, एफ बी आई ऐसे ना, एफ बी आई अच्छा, और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और करंट ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो अब एक चीज़ देखना चाहते हैं कि तीनों परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी है और ये भी है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। आप ये देखो कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड, इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रॉन का मोशन कहाँ है ऊपर की तरफ, तो भाई करंट का फ्लो होगी नीचे की तरफ, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है अपोजिट होता है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसे इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं और जो करंट का फ्लो होता है उसे ट्रांजिशन करंट बोलते हैं ना। पता है ना तुम लोगों को, ये ट्रांजिशन बोल रहे हैं, कन्वेंशनल करंट बोल रहे हो, बात एक ही है ना। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे होगी, है ना, करंट ऐसे जाएगी। अब एक सिंपल सी बात है, मैं ये मान लेता हूँ कि ऐसे मान लो, है ना, देखो मैं बताता हूँ आपको, इसे ना फ्लिप कर दो, इसे फ्लिप करके ऊपर ले जा लो, ठीक है। तो ऊपर ले जाके कुछ ऐसे बनेगा, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा और ये चीज़ नीचे आएगी, ऐसे फ्लिप करती मैंने अपने हिसाब से ये। अब हुआ क्या, देखो करंट तो ऊपर की साइड है, इलेक्ट्रॉन का मोशन नीचे की साइड है ये, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है और फोर्स आपका इधर है। अब उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उन्होंने ऊपर की साइड दिखा दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऊपर मूव करेगा तो करंट नीचे आएगी ना, ऊपर ही होगी नीचे होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर मूव करेगा ऐसा तो करंट नीचे की साइड आई जाएगा। चलो ये तो बात की बात हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें फोर्स की डायरेक्शन ये मिल गई, अब इसे बताना पड़ेगा ये क्या है। तो क्योंकि हमारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये है नॉर्थ साउथ ईस्ट, ऐसे पकड़ेंगे, नॉर्थ हो जाएगा और ये ईस्ट हो जाएगा, है ना। तो फोर्स आपका लगेगा, और हमें यहाँ पे किसका बताना है, फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। तो एफ बी आई ईस्ट, फोर्स फोर्स आपका ईस्ट में आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फोर्स आपका ईस्ट के डायरेक्शन में है। देखो ये नॉर्थ है तो ये क्या है, ईस्ट है, ठीक है, ऊपर वाला, ठीक है। तो ये आपका नॉर्थ है, ठीक है, और ये चीज़ क्या है, ईस्ट है, ये नॉर्थ है और ये क्या है, ईस्ट है। ध्यान से देखना, ये तुमने टेंथ में भी पढ़ा है, ये कहाँ जा रहा है, नॉर्थ को, ये बाहर को निकल रहा, मतलब ईस्ट है। मतलब अगर वर्टिकल प्लेन ऐसे है, अगर आपका वर्टिकल प्लेन वाइट बोर्ड ये है तो आगे पीछे ये होगा ईस्ट और वेस्ट। तो अगर आपका करंट जा रहा है नॉर्थ में तो फोर्स लग रहा है किसमें, ईस्ट में, मेरी डायरेक्शन तो ये आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड की आप डायरेक्शन बता सकते हो क्या आएगी, क्योंकि अगर ये नॉर्थ है ये ईस्ट है तो यहाँ पे साउथ या इधर को साउथ आएगा। तो आप लोग ये देख लेना, है ना, डायरेक्शन आपको पता ही चल गई होगी। मैंने उल्टा बना दिया क्योंकि उन्होंने बोला ऊपर जाएगा तो करंट मेरा नॉर्थ में जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक नीचे आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉनिक करंट पर कन्वेंशनल करंट ऊपर जा रहा है तो ये वाइट बोर्ड के अंदर ही है और ईस्ट तो हमारा बाहर आ रहा है। तो फोर्स हमारा कहाँ लगेगा, ईस्ट साइड लगेगा। मतलब आप फोर्स निकाल लो, फोर्स होता है ई वी वी साइन थीटा, पर देखो बी का कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो ई वी एच साइन थीटा लिख लेंगे, ठीक है। एंगल दे रखा है, एंगल दे नहीं रखा पर आपको पता है क्योंकि वर्टिकल है तो थीटा एंगल कितना होगा, 90 होगा, ठीक है, ये याद रखना। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डालो 1.6 × 10⁻², वेलोसिटी कितनी है 2 × 10⁶, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है 0.32 × 10⁴, और साइन थीटा है, थीटा मतलब कितना, 90°। ये सॉल्व करो, इसे आंसर बताओ यार जल्दी से कितना आ रहा है, 1.6 खींचे खींचे, ठीक है। यार इनका है 1.024 × 10⁻²⁷ मीटर, चेक करना, आगे बढ़ते हैं।
चेक करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देख लो ठीक है, चेक कर लिया क्या चीज़ है। वेरी गुड। अगर आपको डायरेक्शन का ऐसे भी समझ नहीं आ रहा तो ऐसे भी समझ सकते हो। देखो जो आपको मैग्नेटिक फील्ड बोल रखे ना उसको ही आप बना लो। तो मान लो मैंने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बना ली ठीक है, और चलो उसको ऊपर ही बनाओ। मैग्नेटिक फील्ड मैंने ऊपर बना ली और ये हमारा है मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ पे नॉर्थ पोल है ऐसा मान लिया। अब उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वर्टिकली अपवर्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन भी इसी डायरेक्शन में होगा वर्टिकली होगा ठीक है। और क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर को जा रहा है तो करंट आएगा नीचे को, ये होगा। अब आप खुद ही सोचो एफ बी आई होता है, एफ ये रहा बी ये रहा आई ये रहा, एफ और बी के बीच में कैसा है 90 डिग्री। तो अगर बी ऊपर है एफ बी आई, आई तो ये रहा ना नीचे एफ बी आई, ये देखो अगर मैं ऐसे बना दूँ तो आई और बी के बीच में ऐसे बी ऐसे है आई ऐसे है, फोर्स ऐसे जाएगा। ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट है ठीक है। बी ऐसे है देखो ऐसे है बी, आई नीचे है, करंट मतलब फोर्स जो है वो कहाँ जा रहा है ईस्ट की तरफ। तो यहाँ पे आएगा ईस्ट का डायरेक्शन और ये आपकी फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। ऐसे भी आप बना सकते हो, जैसे देखना वैसे देख लेना, बट ये सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं, दिमाग से करे करो ठीक है। करंट डाउनवर्ड जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, करंट डाउनवर्ड जाएगा, इलेक्ट्रॉन अपवर्ड है, करंट डाउनवर्ड है। बी आई एफ एफ देखो निकलेगा है ईस्ट की तरफ। ये चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, आपसे बोला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबार मैग्नेट, अबार मैग्नेट प्लेज ने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला विद इट्स एक्सिस 30 डिग्री टू मैग्नेटिक फील्ड 30 डिग्री एंगल बना ली। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस टॉर्क ऑफ 0.06 न्यूटन मीटर फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है क्या पता लगना। तो ये तो सीधा पीनट वाला क्वेश्चन है, एकदम से होगा। आपको पता है भाई पहले ये लिख लिया करो, टॉर्क होता है एमवी साइन थीटा, टॉर्क तो वेक्टर क्वांटिटी ना साइन आएगा, पोटेंशियल एनर्जी में आता है टॉर्क। देखो यूनिट से पता करो न्यूटन मीटर होता है टॉर्क, तो 0.06 न्यूटन मीटर में टॉर्क होगी, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में होगी कितनी 0.3, एंगल कितने 30 30, बस खत्म। तो ध्यान से देखो 0.06 यहाँ पे है एम, यहाँ पे है 0.3, साइन 30 होता है हाफ, बस मल्टीप्लाई करो एम की वैल्यू आ जाएगी 0.06 के साथ 2 मल्टीप्लाई गया 0.3 नीचे आ गया। 0 को थोड़ा सब्सटीट्यूट करो तो 6 × 2/3 0.06 है तो नीचे 0.3 है तो ऊपर 0 ठीक है। 0.06 को 6/100 लिख सकते हैं, 0.3 को 3/10 लिख सकते हैं, इससे एक आंसर हुआ 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, 4/10 मतलब 0.4। और मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट एम्पियर मीटर, यानी एम्पियर मीटर की स्क्वायर याद है क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये देख लेना, ये तो आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इन एन आयरन बार जिसके डायमेंशन दे रखे 5 cm × 1 cm × 1 cm, ये देख द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम, मतलब बोहर इलेक्ट्रॉन होगा ये, एक एटम को बता रहे हैं ना, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम इज 1.8 × 10⁻²⁷ Am² cm², पहला है बट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट, ये तो एटम का देख रहा है ना, बार मोमेंट का निकालना होगा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आयरन बार, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आयरन बार
इन सैचुरेशन, सैचुरेशन मतलब जब सारे जितने भी एटम हैं एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाए, ठीक है, थीटा एंगल बने जीरो, वो चीज़ होती है सैचुरेशन। सेकेंड है व्हाट टॉर्क विल हैव टू बी अप्लाइड, व्हाट टॉर्क विल हैव टू बी अप्लाइड टू कीप दिस बार मैग्नेट, टू कीप दिस बार मैग्नेट परपेंडिकुलर टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 15,000 g. ओके, डेंसिटी दे रखी है आयरन की, आयरन की डेंसिटी दे रखी 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये सॉलिड स्टेट से भी याद होगी इतनी आपको, है ना। आयरन की डेंसिटी दे रखी, एटॉमिक वेट दे रखा आयरन का, एटॉमिक वेट Pw, एटॉमिक वेट दे रखा 56 u, एवोगाड्रो नंबर तुम्हें पता है, और 1 Gauss 10^-4 टेस्ला होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये सारी चीज़ें। तो क्वेश्चन देख लो क्या है राम कहानी, आपसे बोल रहे हैं आयरन बार, ठीक है, बहुत बढ़िया, उसके डायमेंशन दे रखें, ठीक है। तो अभी तो इतना पता चला कि एक आयरन बार है और इसके डायमेंशन ये है। क्वेश्चन को आप नए तरीके से करते हैं ना, जितनी इन्फॉर्मेशन मिल रही उतना लिख लेते हैं, पूरी इतना दिमाग तो है नहीं बड़ा सा कि सारी चीज़ें रखें। तो एक आयरन बार है उसके डायमेंशन ये है, तो अपन लोग वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम आ जाएगी 5 × 1 × 8, कितनी 5 cm³, क्योंकि डेंसिटी भी हमारी सेंटीमीटर क्यूब में थी तो इसे छेड़ेंगे, वॉल्यूम इतनी है, डेंसिटी आपको देख के कितनी 7.8, आपको पता है बच्चे डेंसिटी होती है मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, मास मतलब गिवन वेट, है ना। तो मास की वैल्यू कितनी आई, मास की वैल्यू आई डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, पहले से इतना ही कर लेते हैं, जो भी आ रहा मतलब है ना। डेंसिटी 7.8 है और ये 5 है, डेंसिटी बच्चे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है और ये सेंटीमीटर क्यूब में आया, तो पर सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल होगी, तो आपका मास आ जाएगा ग्राम में। तो देखो यार 8 × 40 × 35 = 39 ग्राम आ गया, है ना, 39 ग्राम आ गया ना, कर सकते हो 8 × 40 × 35 = 39 ग्राम आ गया। तो हमें ये पता चला अभी तक कि मास 39 ग्राम है, क्लियर है इतना। अभी बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन से पता चला और डेंसिटी से पता चला कि मास कितने 39 ग्राम है, तो सीधा मैं मास लिख लेता हूँ, मास कितने 39 ग्राम, हमें पता चला गिवन मास कितना, गिवन मास कितना 39 ग्राम, ये हमें पता चला, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड, ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो इसके बाद क्या है, उसके बाद उन्होंने बोला मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम इज 1.8 × 10^-23, ठीक है, और व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आयरन बार इन सैचुरेशन, ठीक है। तो पूरे बार का निकालना है, तो देखो पूरे बार का मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकलेगा, हमें एक एटम का पता है, अगर हम पता लगा लें, हमें एक एटम का पता है कितना है मैग्नेटिक मोमेंट, अगर हम, और हमें पूरे आयरन बार का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, एक एटम का हमें पता है कितना है और पूरे आयरन बार का निकालना है। अगर हमें यह पता चल जाए कि इस आयरन बार में कितने एटम्स हैं तो मज़ा आ गया, क्योंकि मान लो इस आयरन बार में 10 एटम आ गए, एक का हमें पता है 1.8 × something है, तो 10 का होगा 10 × 1.8 × something, मान लो 100 आ गए, तो एक का हमें पता है इतना है, तो 100 का होगा 100 times, मान लो 500 आ गए, तो एक का पता है इतना है, तो 500 का होगा 500 times, तो पूरे आयरन का निकल जाएगा। तो थोड़ा सा ना यहाँ मूल कंसेप्ट लगाते हैं, देखो कहते हैं गिवन मास 39 ग्राम, आपको पता है देखो कितने एटम होने वाले हैं, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट कितने 56 ग्राम आपका एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट में हमेशा 6 × 10^23 एटम्स होते हैं, ये तो एवोगाड्रो लॉ लगा दिए, इतना तो आपको पता है ना कि किसी भी चीज़ का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास में कितने एटम्स होंगे उसके, या मॉलिक्यूल होंगे 6 × 10^23, तो ये तो स्टैंडर्ड है, ये बहुत आइडियल केस है कि 56 ग्राम में इतने होते हैं, हमारा तो गिवन मास कितने हैं 39 ग्राम, तो 39 ग्राम में कितने होंगे एक्स एटम होंगे भैया, ऐसे मान लिया बच्चों वाली बात है ना, ऐसे चल गया, हमें बताया है कि जनरली 56 ग्राम में इतने एटम्स होते हैं, तो 39 ग्राम में एक्स हो गए भाई, एक्स की वैल्यू आपको आएगी निकालेंगे 6 × 10^23 मल्टीप्लाई होगा 39 से, एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा 56 फिर जाएगा डिवाइड, काट सकते हैं 6×5 = 11 कटेगा, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16 और 13 × 2 = 26 नहीं कटेगा, तो ये जाएगा 1, ये लगभग 4.2 जाएगा, देखना कितना है 4.19 × 10^23 आएगा, 4.19 × 10^23 एटम्स कितने आ गए,
एटम पे नंबर ऑफ एटम्स आ गए, नंबर ऑफ एटम्स कितना आ गए, अब आ गए 4.19 × 10³³ एटम्स। अब एक सिंपल सी बात, अब मैं इसे मिटा रहा हूँ क्योंकि ये हमारे किसी काम का नहीं है, जो जो मिट रहा है आप लोग लिख लो, मैं मिटा रहा हूँ इसे, है कितनी जगह में मुझे की होंगे। चलो अब देखो नंबर ऑफ एटम्स हमें पता चल गया इतने आगे, अब हमें पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एक एटम का कितना देखा, 1.8 × 10⁻²। मैग्नेटिक मोमेंट एक एटम का कितना है, इतना है 1.8 × 10⁻²। तो मैग्नेटिक मोमेंट एक एटम का जबकि इतना है तो हमें पता है कितने एटम्स का कितना होगा, फिर 4.19 × 10⁻²। या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो वेक्टर से, मतलब यूनिटरी मेथड से, और या तो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि एक का इतना है तो 10 का इसका 10 टाइम होगा, 100 का इसका 100 टाइम्स होगा, 27 का इसका 27 टाइम होगा, ऐसे कितने एटम्स का इतने ही टाइम्स होगा, इसका मतलब 4.19 × 10³ मल्टीप्लाई बाई 1.8 × 10⁻²। कैंसिल हो गया भाई, 4.19 और 1.8 को आप मल्टीप्लाई कर लो और मैग्नेटिक मोमेंट देखो कितना आ गया, ठीक है, कितना आया बच्चे 7.54 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मोमेंट आया 7.54 एम्पियर मीटर स्क्वायर यहाँ पे आ गया। अब आप एक बात बताओ, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट आया 7.54 एम्पियर मीटर स्क्वायर ये क्या है, ये मैग्नेटिक मोमेंट है किसका, अपने बार मैग्नेट का, जो एफी बार मैग्नेट है उसका है। अच्छा उसके कितने ग्राम का है, उसके 39 ग्राम का है। अच्छा उसके कितने एटम्स का है, 4.19 × 10³³। सर कैसे पता लगा लिया, देखो 4.19 × 10³³ एटम्स के करस्पॉन्डिंग मास कितना था, 39 ग्राम था, तो 39 ग्राम इतनी वॉल्यूम और इतनी डेंसिटी का जो आयरन बार है, इतनी वॉल्यूम और इतनी डेंसिटी का जो आयरन बार है उसका मास 39 ग्राम है और इतना ही हमारा टोटल आयरन बार का आ गया। तो ये पहला वाला काम निकल लिया, पहले वाले काम करें 7.54 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है ये याद रखना, पहला वाला तो अपन लोगों का हिल गया। इसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा हमसे कह रहे हैं व्हाट टॉर्क विल हैव टू बी अप्लाइड टू कीप दिस बार मैग्नेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 15,000 गॉस। अच्छा और कुछ भी है, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आयरन बार इन सैचुरेशन, ये तो हमने निकाल ही लिया सबका, ठीक है कितना है सैचुरेशन, मतलब मैंने आपको बता ही दिया है कि जब सारे एटम्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाए तो सबका हम रिजल्टेंट निकालेंगे मल्टीप्लाई करके, जो कि आ गया पहले वाले काम करके। दूसरा देखो टॉर्क निकालना है, परपेंडिकुलर है टॉर्क का फॉर्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट के, हमने एम वी साइन थीटा होता है, ठीक है एम वी साइन दूसरे का ये थीटा 90 है, साइन 91 होता है, तो एम और बी आ गया, क्लियर सी बात ये है। अब एक चीज देखो आप, एम तो आप पे 7.14 आया होगा, चेक करो 7.54 और मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड उसमें निकाला है एम्पियर मीटर स्क्वायर में, तो मैग्नेटिक मोमेंट को भी आपको टेस्ला में लेना पड़ेगा, तो 15,000 गॉस है और 1 गॉस होता है 10⁻⁴ टेस्ला, तो 1 गॉस अगर 10⁻⁴ टेस्ला है तो 15,000 गॉस क्या होगा, 15,000 × 10⁻⁴ तो ये टेस्ला में आ जाएगा, टेस्ला से ये कटेगा तो ये न्यूटन मीटर में आ जाएगी सारी चीज़ें। बस अब क्या करो, ये है 3 जीरो इसको काटेंगे तो होगा क्या, -1 बचेगा, तो देखो 7.54 × 15 और इसकी पावर कटी तो यहाँ -1 बचेगा ना यार, ये नीचे कितने जीरो होंगे, 4 जीरो होंगे, 3 ये हैं, 3 कटेंगे एक बचेगा वो कट जाते हैं -1 के, ठीक है। तो आपको टॉर्क निकालना है 7.54 × 1.5 का, जल्दी से निकालें न्यूटन मीटर में आंसर कितना है, ठीक है कितना सा क्वेश्चन था ये आपका है 11.3 न्यूटन मीटर, 11.3 न्यूटन मीटर यही आपका आंसर, ठीक है यही आपका आंसर होगा, ऐसे करना ही फिर क्लियर, बहुत बढ़िया। चल नेक्स्ट देखते हैं।